ग्रेजुएट फ्रॉम इस्तांबुल सुपीरियर की तरफ से। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के साथ आपको मोहब्बत होती है क्योंकि वो आपको ये देते हैं। कभी अलविदा ना कहना। कौन लोकेशन में इस साल मीटिंग से अटेंड किया था? डिग्री थी और बहुत में अच्छे टीचर मिले। प्राउड फॉर बाहर निकले अपनी ग्रूमिंग करें। सबसे ज्यादा मैं अपनी टीचर्स का थैंकफुल हूँ। दूर जाके मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा अब्बास। अच्छा, आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्वोकेशन की जा रही है, 4 साल गुजर गए, आप भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टाइम था, बहुत लर्न किया और लोगों को पहचाना कि वाहिद की दुनिया किस तरह होती है। और सेकेंडली मैंने ग्रेजुएट फ्रॉम इस्तांबुल वहाँ से भी किया स्कॉलरशिप सुपीरियर की तरफ से, और साथ में यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली याद आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज जो है वो लास्ट डे है तो डेफिनेटली इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं कब मुलाकात होगी, कब नहीं होगी, कैसा टाइम आएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कहना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कि सब चीज़ें तो एक साइड पे हैं और पेरेंट्स की चीज और सिबलिंग्स की है, वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस टाइम के लिए कि मैं हमेशा जो है वो बहुत अच्छा कुछ करके दिखाऊंगी और मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। मेरी मदर नहीं है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस दिन में, क्योंकि जब मैं इस्तांबुल गई थी तो उनका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। लेकिन आज जो है मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी लग गए, और बहुत बहुत उनके लिए दुआएँ। और मेरा ये वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, फ्रेंड के साथ भी, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट के साथ आपको मोहब्बत होती है क्योंकि वो आपको ये देते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए थैंक यू सो मच। बस यही मेरा जो है एक ड्रीम था और मैसेज भी है। और स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा ट्रस्ट डिवेल्प करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फिर ही आप बाहर निकल सकती हैं। और लड़का बन के जिए, लड़कियों की तरह जीने के साथ जो ये कम्युनिटी है ना वो आपको जीने नहीं देती। हमेशा लड़का बन के जिए और ऐसा लगे कि आप जो है ना वो सोसाइटी के लिए वुमेन नहीं है, अब मैन। मैंने स्पीयर ज्वाइन किया BS एविएशन, फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा। बहुत ज़्यादा यानी कि यादें दिल में लेकर और एक्सपेक्टेशंस लेके आए, और आते साथ ही हमने एक मैंने इधर पुरानी आयात पढ़ी, इसका मतलब था कि आप वही कुछ पाएंगे जिसके लिए आप कोशिश करें। और ये ऐसी बात दिल में उतरी और हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर में मैं इधर स्पीयर में मैंने एडमिशन ऑफिसर जो अपनी डिग्री के साथ साथ, और जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड में मैं अब एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ। और ये मैं यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करूँगा उनको कि आपका अगर कंट्रोल है ना आपके पास, जो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है और आपके पास एक पाथ वे है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ ये मेरे क्लास फेलो है, मेरा फ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ये डे मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। बाकी बहुत से लोग आए गए चले गए, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज आ नहीं सके, कुछ अब्रॉड चले गए। तो अली भाई भी अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपको। बिल्कुल, आप सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा स्पीयर का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत डिग्री दी और इतने प्यारे दोस्तों से मिलवाया जिन्हें मैं आज तक ज़िंदगी में जिस तरह के लोग नहीं मिल सके। और डिग्री का इस हवाले से बात करूँगा कि डिग्री इतनी अच्छी थी और हमने इस लगन से पढ़ी कि हमें हम बेरोज़गार ना रहे, और यही मेरे दिमाग में भी था जिसकी बदौलत मुझे चौथे सेमेस्टर के अंदर ही जॉब मिल गई थी इस साल, और आज भी मैं उसी जॉब को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस चीज़ का हम सुपीरियर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी डिग्री दी और बहुत हमें अच्छे टीचर मिले, बहुत अच्छे हमारे दोस्त मिले। और वी प्राउड फॉर सुपीरियर, हम सुपीरियर पे प्राउड करते हैं और आप सबको कहते हैं कि आप सुपीरियर ज्वाइन करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी करें। जी नाजीन, हमारे साथ इस वक्त इतना प्यारा इतना क्यूट सा कपल मौजूद है। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताएं कि डिग्री लेने निकलते हैं स्टूडेंट्स, आप तो साथ साथ भाभी भी लेके आ गए। लेकिन कामयाब मर्द वही। अच्छा, तो डिग्री के साथ साथ बच्ची रहती है। यस आया, मैं निकला। इस चीज पे फखर हो रहा है कि डिग्री पे फखर हो रहा है। मेरा डबल है, लेकिन मेरी डिग्री एक साल पहले की हो चुकी है।
डिग्री के साथ आपकी डिग्री लेना। अच्छा आपने एक साल पहले ले ली, आपकी इस साल आई है? एक साल डिग्री पहले मेरी हो चुकी है। कौन लोकेशन में इस साल मेरी के साथ एंड किया था। अच्छा मैसेज सिर्फ यही है कि देखो अब तो हम जो ग्रेजुएट्स हो गए ऐसे अपने बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के अपने चले जाएँ, अपने फ्यूचर से ब्राइट करें, मेहनत करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, जो अभी ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या, देखो खाली पढ़ाई या सी जी पे मैटर नहीं करता। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपका फिफ्थ क्लास से लेकर टेंथ का अल्फा बीटा थीटा पढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में? कहीं पे ए प्लस टू बी प्लस टू काम आया? कहीं पे फाजले काम आए? नहीं आए। वही चीज़ काम आती है आपका फ्रेंड सर्कल, आपके टीचर सर, आपकी रिस्पेक्ट। अपने टैलेंट को कभी भी यहाँ तक अपने दूर ना रखें, बाहर निकलें, अपनी ग्रूमिंग करें। सिंगर है, डांसर्स है, ड्रमर है, कुछ भी है, उसको लाजमी यार बाहर जाके लाजमी परफॉर्म करो। अगर आपने यहाँ पे रह के सिर्फ किया है तो आपने अपना टैलेंट वेस्ट किया है। बाहर निकलो, ग्रूमिंग हो आपकी थोड़ी सी और आप इंटरनेशनली परफॉर्म वगैरह करें तो आपका टैलेंट भी जरा खुल के जरा सामने आए। बिल्कुल। अच्छा आपका जो टैलेंट है सिंगिंग करके दिखाएंगे? बेसिकली मैं ड्रम सर्कल परफॉर्म करता हूँ, पर सिंगिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो दोस्तों के लिए एक सॉन्ग छोटा सा, क्योंकि लास्ट डे है उनके लिए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, तुमको भी है खबर, मुझे कभी हो रहा है जुदा, दोनों का दूर जाके मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अच्छा जितनी प्यारी आप आज लग रही हैं, ऐसे ही प्यारे चार साल गुजरे हैं? बहुत अच्छे गुजरे हैं। मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे इतने अच्छे टाइम गुजरे हैं और जो मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे, जो मेरे साथ अच्छे फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक मुझे आगे पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी टीचर्स का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत पोलाइट थी, बहुत अच्छी थी, कि उन्होंने मुझे कभी भी डिग्रेड नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे कोई ऐसी वर्स्ट चीज़ हुई हो यूनिवर्सिटी लाइफ में जो आप अभी तक ना भूल सकी हो? कैफे का टाइम। वो इतना अच्छा टाइम गुजरता था कि जो हमें क्लास में थोड़ी सी गाइडेंस हो जाती थी कैफे में, हम चिल हो जाते थे। अच्छा लेकिन हमारी मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ, हमारी स्टूडियो में भी इतना हम इंजॉय करते हैं, म्यूजिक होता है, हर चीज़ बहुत इंजॉय। पीरियड बुक ऑफ लाइक वर्ल्ड वाइड बहुत आपको सबको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड थर्ड या फोर्थ या सेकेंड पे आ रही है यूनिवर्सिटी, तो कुछ है तो आ रही है ना। तो इधर के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अब तो ये हमें अब्रॉड स्टडीज़ करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं।